आनंद सोहळ्याला माधुर्य कलिकांचे आणि स्वागत करूया उपस्थित सर्व मान्यवरांचे काळभोर साहेब यांचं या जी पी एल दोन हजार तेवीसच्या निमित्ताने आपण शुभस्वागत करतोय तदनंतर माजी सरपंच एक अतिशय उत्तम व्यक्तिमत्व दादा बहाडकर साहेब यांचं स्वागत राजेशी यांच्या शुभ आपण करतोय अतिशय ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व समाज धुराणी आणि समाजाची गावाची नाडी ज्यांनी ओळखली आणि सातत्याने समाजकारण करत असताना मिलिंदा बहाडकर यांनी या जांभुळपाडा पंचकृष्णीला विकासाच्या गंगेकडे नेलेले आहे असे मिलिंदा पहाडकर साहेब यांचं शुभस्वागत आपण करतोय त्यानंतर या स्पर्धेसाठी आम्हाला मदत करणारे इनामदार यांचं शुभ स्वागत आपण करणार आहोत रितेश करतो की स्वागतासाठी आपण पुढे संतोषजी अतिशय आदर्श व्यक्तिमत्व आणि एक तरुण युवा क्रीडा प्रेमी म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो हो असे रितेशजी इनामदार साहेब यांचं इथे शुभ स्वागत आपण करतोय दोनही संघाचा बारावा प्रतिनिधी आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये उपस्थित राहायचं आहे या आपण नाहीतर दोन रनची पॅनल्टी दिली जाईल रितेजी इनामदार साहेब यांचं शुभ स्वागत आपण करतोय त्यानंतर स संदेशजी लोंडे साहेब हे सुद्धा या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत रित आपण आलात स्वागताचा सन्मान केला त्याबद्दल आपला आभार संदेशजी लोंडे साहेब यांचं शुभ स्वागत आपण करतो आहे मंगेशजी चव्हाण हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत मंगेशजी चव्हाण यांचं सुद्धा शुभ स्वागत आपण करतोय दोन्ही संघाचा बारावा खेळाडू महाराष्ट्र मधील सुधागड सामाजिक सांस्कृतिक मित्र मंडळाचे एक अतिशय आदर्श व्यक्तिमत्व मंगेशबाई चव्हाण यांचं शुभ स्वागत त्यानंतर मंगेशबाई काळभर साहेब हे सुद्धा या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत अतिशय देखणं व्यक्तिमत्व त्यांचं शुभ स्वागत आपण या व्यासपीठावर मायाची शाल पुष्पगुच्छ आणि श्रीफळ देऊन इथे आपण स्वागत करतोय तर नंतर पुढील स्वागत मिलिंदी कदम साहेब हे सुद्धा व्यासपीठावर उपस्थित आहेत दादा कदम साहेब यांना विनंती करतोय की आपण पुढे यायचं आहे पहिला विकेट आणि पहिल्या षटकारासाठी पाचशे रुपयाचं पारितोषिक लागलेलं आहे मॅच ऑन स्कोरर तदना। स्वागत आपण करणार आहोत माननीय श्री गणेशजी शिंदे साहेब यांना माझी विनंती आहे की आपण समोर यायचं आहे या संपूर्ण कार्यक्रमाचा शुभ स्वागत आपण इथे स्वीकारायचं आहे मायची उबदार शाल आणि पुष्पगुच्छ श्रीफळ देऊन गणेशजी शिंदे साहेब यांचं इथे शुभ स्वागत आपण करतोय दादा खंडागळे साहेब यांचं शुभ स्वागत आपण करणार आहोत प्रभाकर दादा विनंती आहे की आपण आपला हा मान आणि सन्मान इथे स्वीकारायचा आहे स्वागत सन्मान आपण इथे करत आहोत माननीय श्री तदनंतर आमचे कार्याध्यक्ष रोहितजी भगत ग्रामपंचायत जांभलपाडा सदस्य यांचं सुद्धा शुभ स्वागत होणं गरजेचं आहे मी विनंती करतोय विठ्ठल तेलंगे यांना की आपल्या शुभस्ते आदरणीय रोहितजी भगत साहेब यांचे इथे शुभ स्वागत आपण करणार आहोत मान्यवरांच इथे शुभ स्वागत केलेलं आहे मान्यवरांपैकी के कोणाला मनोगत व्यक्त करायचं असेल माझी विनंती आहे की मान्यवरांना की आपण मनोगत आणि शुभेच्छा द्यायचे आहेत हॅलो आज ग्रामपंचायत जाऊपडा यांच्या ज्या प्रीमियर लीग होणार आहे होत आहेत आणि आज ज्या प्रीमियर लीग होत आहेत मला याची प्रस्तावना गेल्या वर्षी श्री आशिषजी शेळके यांनी सांगितली होती आणि आशिष शेळकेंना मी एवढंच सांगितलं होतं की आता मार्च मध्ये हा आयोजन करतोस तर ते आयोजन आता करू नको पुढच्या वर्षी आयोजन कर आणि ह्या वर्षी त्यांनी मला परत विचारलं दादा काय करायचं म्हटलं मी एक सांगतो तुला बाळा आशिष का आज ह्या महिन्यातच करत असतील तर चांगलं होईल सगळ्यांचा सहकार्य लाभल आणि ह्या गोष्टीला आज सगळ्यांनी पाठबळ दिलं आमचे सुनीलजी साठेसाहेब असतील साथ राजू शिंगाडे असतील गिरीश दळवे साहेब असतील प्रभाकर खंडागळे असतील संतोषजी लोंडे असतील आणि राजेजी शितोळे असतील संतोष देशमुख असतील मंगेश काळबोर असतील माझे मित्र कदमसाहेब असतील या सगळ्यांनी या गोष्टीला सहकार्य केलं आणि आज भव्य दिव्य कार्यक्रम आज या ठिकाणी आपण करतोय याचा आम्हाला सगळ्या माझा उपसरपंच म्हणून आणि माझ्या ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून आणि ग्रामपंचायत प्रशिक ग्राम सगळ्यांना याचा आनंदाचा उत्सव आज तीन दिवस मिळणार आहे आणि हा तीन दिवसाचा उत्सव सगळ्यांनी व्यवस्थित सहकार्य करून करायचं आहे एवढी उपसरपंच म्हणून आणि या पंचकृषीतल्या सगळ्या ग्रामपंचायच्या वतीने मी सगळ्यांना विनंती करतो कुठली बाब छोटीशी बाब असेल झगडा विगडा काय व्हायला नाही पाहिजे ह्या गोष्टी सगळ्यांनी सांभाळून आणि पंच तर आपले बाहेरचेच आहेत कुठल्याही कमिटीवर किंवा कशावर दबाव आणून काही करायचं नसतं आणि खेळ हा खेळ खेळाच्या भावनेने खेळायचा असतो खेळाडू वृत्ती ठेवा तुम्ही पुढे यशस्वी व्हाल तेंडुलकरने एक कट लागली तरी तेंडुलकर बाहेर निघून जातो पण तुम्हाला माहिती असतं कट लागले पण तुम्ही निघत नाही हे दुर्दैव आहे खेळाडू हा खेळाडूसारखा पाहिजे आणि तेंडुलकरसारखा बनायचं आहे तर तुम्हाला मोठं व्हायचं आहे तर सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजून घ्यायच्या आहेत आणि सगळं करायचं आहे एवढं मी बोलून माझे दोन शब्द संपवतो आणि अशीच आपली ग्राम प्रीमियर लीग तीन दिवस व्यवस्थित चालू राहू नये ही माझी विरोश विनंती आणि प्रार्थना आहे सगळ्या कमिटीचे धन्यवाद जे आयोजन केले त्याच्याबद्दल अजून धन्यवाद आणि मी स कमिटीमध्ये सगळ्या सहकार्यांना मी कोणाचं नाव घेत नाही आता पण सगळ्यांना सहकार्य सहकार्य केल्याबद्दल आणि चांगलं आयोजन केल्याबद्दल पुन्हा पुन्हा धन्यवाद बोलतो जय हिंद जय महाराष्ट्र थँक्यू धन्यवाद तो ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग दो हजार तेईस का ये पहला मुकाबला आई सोमजाई करचुंडे बनाम रियांशी रियांशी इलेवन तो, तो सोमजाई करचुंडे आई सोमजाई करचुंडे टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रियांशी रियांश इलेवन तो एक ओवर का एक ओवर जाली ना तो एक ओवर का मुकम्मल होता हुआ और पहले ओवर के बाद स्कोर पहुंचा टोटल स्कोर कार्ड पे तीन रन लॉस ऑफ जीरो विकेट और थोड़ी सी पिच गिली है इसकी इसकी वजह से दोनों टीम के जो खिलाड़ी है उनको एक गुजारिश करूंगा मैं और कमेटी की ओर से कि विकेट की विकेट जो गिली है उसकी वजह से आप थोड़ा विकेट के बाहर से दौड़ लगाए है पीच पे तो और भी दो दिन ये मुकाबले चलने वाले इस प्रतियोगिता के तो पांच रन एक ओवर पांच रन आई सोमजाई करचुंडे बनाम रियांशी रियांशी लेवन ये ओपनिंग मुकाबला इस प्रतियोगिता का जीपीएल वराट जाम्बुलपड़ा ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2023 तो सयादरी एंड से बॉलर अशोक और स्ट्राइक एंड पे प्रणव अच्छा शॉट स्ट्रेट ड्राइव और ये पहला छक्का इस प्रतियोगिता का आता हुआ प्रणव के बल्ले से सीधे बैट से खेला हुआ श, अच्छा शॉट और ये छह रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा ग्यारह रन तो इस मैच के सिक्स के लिए पांच सौ एक का इनाम ज्ञानेश्वर जी बापट की तरफ से अच्छी गेंदबाजी आई सोमजाई कर चुंडे बनाम रियांशी रियान जीपीएल 2023 का यह पहला मुकाबला और पहले मुकाबले में आई सोमजाई कर ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुनी और आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए रियांशी रियांशी लेवन तो पांच सौ एक और ये और पहला कैच छूटा इस प्रतियोगिता गेंद के नीचे आए थे लेकिन थोड़ा सा जजमेंट गलत और पहला विकेट जा सकता था पहला रियांशी रियांशी लेवन का लेकिन एक आसान सा कैच छूटा तो इसे एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा तेरा रन पिच थोड़ी सी गिली है इसी वजह से बॉल थोड़ा बाउंस कम हो रहा है तो अशोक बनाम प्रणव तो करचून के ये यंग प्लेयर अच्छे बल्लेबाज ये प्रतियोगिता ही इसलिए रखी है कि जो यंग टैलेंट है पांच गाँवों का वो सामने आना चाहिए जो यंग टैलेंट है और फिर से एक बार एक अच्छी गेंदबाजी चल रही है लेकिन ये बाइज का एक रन लेग बाइज का एक रन तो इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड पे स्कोर चौदह रन स्ट्राइक पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रवीण GPL पी एल जाम वराट ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग ये पहला साल कोई भी प्रतियोगिता पहले साल में थोड़ा सा वर्क लगता है क्योंकि मैनेजमेंट रहता है सब चीजें रहती है थोड़ा वक्त लगता है लेकिन अच्छा ये शॉर्ट लॉग ऑन पे और ये एक रन पहला विकेट जा सकता था एक आसान सा कैच छूटा विनोद एक आसान सा कैच छोड़ा तो दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा पंद्रह रन तो एक ड्रिंक्स ब्रेक तो दो ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक अगर लेंगे चार ओवर का मुकाबला है ना चार मेरे ख्याल से चार ओवर के बाद लेना चाहिए लेकिन हर एक खिलाड़ी पानी पीना चाहेगा फेब्रुआरी का यह महीना थोड़ा सा धूप में भी तेजी है और ज्यादा वक्त तो ड्रीम ड्रिंक्स बॉय हमारे यश भिरवाड़कर अच्छा काम करते हुए ये यंग खिलाड़ी है वो भी लेकिन इस प्रतियोगिता को एक टॉप क्लास बनाने में उनका भी हाथ देखो को कोई भी शर्म नहीं है उनको तो गेंदबाज विनोद स्ट्राइक पे है प्रवीण और ये अच्छी गेंद लेकिन ये एक रन लेक इशारा अंपायर का आता हुआ सोलह रन स्कोर कार्ड पे पहिलं वर्ष ज जांभूळपाडा ग्रामपंचायत प्रीमियर लीगचं थोडासा टाईम झाला परंतु कुठलीही स्पर्धा जेव्हा आपण पहिल्यांदा आयोजन करतो तेव्हा खूप सारा त्यामागे कष्ट असतात खूप सारे मॅनेजमेंट असते थोडासा वेळ लागतो परंतु एक सुरेख आणि सुंदर नियोजन पुन्हा एकदा अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर लेकिन खिलाड़ी नीचे आता हुआ गेंद के और एक अच्छा सौरभ जो सौरभ देशमुख एक अच्छा कैच ये भी एक यंग खिलाड़ी है और इसीलिए ये प्रतियोगिता रखी है यंग खिलाड़ियों का टैलेंट सामने आना चाहिए अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी वो कैच छोड़े थे छोड़ते हैं लेकिन इस यंग खिलाड़ी ने पहली बार एक अच्छा कैच पकड़ा कैचेस विन द मैचेस ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में तो पहला विकेट गिरता हुआ आई सोमजाई करचुंडे इलेवन का तो वन डाउन बैट्समैन रोहित चौहान स्ट्राइक एंड पे फिर से एक बार और ये मिस फील्ड एक रन हो सकता था लेकिन दो रन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दो बल्लेबाजों के द्वारा तो इस दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा अठारह रन तो इसके बाद होने वाला मुकाबला इस प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला आर्या उन्नी चैलेंजर्स बनाम देवान शिलेवन दोनों टीम के कप्तान को गुजारिश करूंगा कि टॉस बॉक्स के लिए टॉस बॉक्स में टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा दोनों टीम के कप्तान को अंपायर दंडित करते हुए इस गेंद को वाइड बॉल का इशारा आता हुआ ऐसे एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 19 रन दोपहर का समय थोड़ा हवा हवा का झोंका थोड़ा सा चलता हुआ इस uh, अच्छा शॉट लेकिन फिर से एक बार दो रन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट एक रन से ये दो रन चुराए, और इस दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 21 रन एक विकेट के नुकसान पे आ, आई सोम रिया, रियांशी रियांशी इलेवन का तो इसके बाद होने वाला मुकाबला आर्याउनी चैलेंजर्स बनाम देवान शिलेवन दोनों टीम के कप्तान को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा टॉस के लिए अच्छी बॉलिंग का मुजावरा करते हुए विनोद तो बूंद-बूंद से सागर भरता हुआ रियांशी रियांशी लेवन बाईस रन स्कोर कार्ड पे एक विकेट के नुकसान पे और, और आर्या अवनी के टॉप खिलाड़ी उमेश जी खंडागड़े और यह फाइन लेग पे आता हुआ दन दनाता चौका चार रन इस चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आउटफील्ड थोड़ा तेज है तो इस चार रन के साथ स्कोर का स्कोर कार्ड पे स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 26 रन अच्छे फील्डर है प्रणव सिर के ये बॉल रुकना चाहिए था लेकिन चार रन ऐसे कुछ सारे खिलाड़ी है जिन जो प्रैक्टिस में नहीं है अभी तो सुयोग अपना पहला और इस इनिंग का लास्ट ओवर सयाद रेन की तरफ से बॉलिंग मार्क पे राइट आर्म ओवर द विकेट तो स्ट्राइक पे उनके ही गांव के खिलाड़ी रोहित तीन ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 26 रन अच्छी गेंदबाजी पहली ये बिंद गेंद छब्बीस रन लगभग साढ़े आठ रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहा है चल रही है रियांशी रियांशी लेवन और ये अच्छा कट शॉट लेकिन एक ही रन हर वक्त दो रन नहीं चुरा सकते आप तो इसे एक रन के साथ स्कोर कार्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा सत्ताईस रन थोड़ी सी धीमी शुरुआत रियांशी रियांशी लेवन फिर से एक बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पे सामना करेंगे सुयोग का फील्डिंग की सजावट लॉग ऑन मिड विकेट लॉन्ग मिड विकेट बैकवर्ड अच्छा शॉट, मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ यह दन दन आता हुआ चौका इस चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तीस रन इकतीस रन सॉरी फिर से एक बार एक अच्छा शॉट बॉलर के ऊपर से ये दन दनाता हुआ दूसरा चौका लगातार इस चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा पैंतीस रन देखो ये हमारे दांडवाड़ी के एक खिलाड़ी है लेकिन अच्छी पहली बार इस पीच पे खेलते हुए और अच्छा बैटिंग का नजारा दिखाते हुए यही तो इसीलिए तो ये प्रतियोगिता रखी है अच्छे अच्छे खिलाड़ी सामने आने चाहिए अच्छा 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 शॉट देखो फिर से एक बार एक सीधा छक्का दन दनाता हुआ और ये छह रन के साथ स्कोर कार्ड पे स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 41 वन इकतालीस रन तीन गेंद और चौदह रन दो चौके और एक छक्का अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रियांशी रियांशी ले वन तीन ओवर के बाद छब्बीस रन थे लेकिन आखिरी ओवर में एक सम्मानित टोटल के टोटल पे पहुंचाते हुए अपने टीम को इसके बाद होने वाला मुकाबला आर्या उन्नी चैलेंजर्स बनाम देवांश शिलेवन दोनों टीम के कप्तान मैं गुजारिश करूंगा कमेंट्री बॉक्स टॉस बॉक्स में टॉस के लिए आइए और अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे क्रीज पे खड़े रहना चाहिए था लेकिन अपनी विकेट गवाई अच्छा तो इस इनिंग का यह पहला इनिंग खत्म होता हुआ इस चार ओवर के बाद टोटल पहुंचा इकतालीस ना इकतालीस रन और बयालीस रन का लक्ष्य रखा है आई सोमजाई क्रिकेट करचुंडे चला आर्यावनी चैलेंजर्स बनाम देवान्श इलेवन धोनी टीम के कप्तान देवान वारियर्स वॉरियर्स के कप्तान रोशन जी खंडा अगले टॉस बॉक्स में हाजिर है तो आर्याउनी चैलेंजर्स रोहित भगत अपने टीम के कप्तान जल्दी टॉस बॉक्स में भेजो के सामने बयालीस रनों का अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रवीण जो दांडवाड़ी से बिलोंग करते हैं अच्छी बल्लेबाजी की टोटल उनके रन आए 21 रन उनमें दो चौके और एक छक्का शामिल तीन चौके और एक छक्का शामिल कंपलसरी चेसिंग मुकाबला ग्राम पंचायत वराट जांबुलपड़ा प्रीमियर लीग 2023 ये पहला साल और इस पहले साल में ये पहला मुकाबला आई सोमजाई कौर चुंडे बनाम रियांशी रियांशीलेवन तो देखो गणपति बापा और छत्रपति शिवाजी महाराज इनको अभिवादन करते हुए रोशन जी खंड आ गए एक ऐसे खिलाड़ी है इनका खेल में पिछले कुछ सालों से देखता आ रहा हूं एक अच्छे खिलाड़ी एक व्यावसायिक खिलाड़ी के रूप में इनको देखा जाता है तो आर्यावनी चैलेंजर्स के कप्तान समीर जी के तो देवान शिलेवन इको पकड़ते तो देवांश इलेवन के कप्तान रोशन जी गए तो इनिंग का ये दूसरे इनिंग का चालू होता हुआ और स्ट्राइक पे थे आशीष जो कप्तान है और टॉस होता हुआ टॉस मैच रेफरी विशाल जी गुराव टेल तो आर्यावनी ने टॉस जीता और जी, टॉस जीत के पहले क्या चुनेंगे आप पहले गेंदबाजी चुनेंगे हम पहला सामना बेचाळीस धावांचं लक्ष आहे तुम्ही गोलंदाजी स्वीकारले किती धावांपर्यंत रोखाल देवांश वॉरियर्सला देवांश आमचा बॅटिंग ऑर्डर चांगला आहे आणि गोल बॉलिंग ऑर्डर सुद्धा चांगला आहे तर आम्ही चाळीस धावांमध्ये त्यांना रोखू चाळीस धावांपर्यंत रोकाल आणि तुमची पहिली फलंदाजी आहे तुम्ही किती धावांचा डोंगर उभा कराल चॅलेंजर्स समोर पहिलाच सामना आहे तुमचा आम्ही देखील मोठी धावसंख्या उभारण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार कारण करना का गोलंदाजी इथं या ठिकाणी खरंच खूप सुरळीतरित्या चालले कारण का आपला जो पिच आहे तो थोडासा ओला असल्याकारणाने गेंदबाजीला चांगला या ठिकाणी सपोर्ट भेटतोय तशीच पद्धतीची आम्ही खेली करणार आहोत का कर, जास्तीत जास्त जेवढा स्कोअर बनवता येईल तेवढा बनवायचा प्रयत्न करणार आहोत असे कोणते फलंदाज आहेत तुमच्याकडे की तुम्ही त्यांच्यावर भरोसा ठेवाल की मोठे मोठी धावसंख्या उभारतील तेजस आहेत रामवर आहेत आपल्याकडे विष्णू असे आमच्याकडे आहेत चार पाच बॅट्समॅन आहेत लग चांस जो चालेल त्या आमच्या टीम साठी चांगलेच आहे टॉस जिंकलाय आणि पहिली गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय दुसरा सामना आर्यावनी चॅलेंजर्स बनाम देवान शिलेवन तो चलते इस मॅच की ओर पहिला विकेट सौरभ देशमुख तो कितना स्कोर कितना नौ रन पे पहला विकेट गिरता हुआ आई सोमजाई करचुंडे का तो अभी सौरभ की जगह विनोद भावेश पवार हरनोली है भिवंटी के भावेश पवार सर भावेश पवार और अच्छा कट शॉट और इस चार रन के साथ स्कोर तेरह रन अच्छा कट शॉट खेला मैन की ओर से ये चार रन आते हुए और इस चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा एक ओवर के बाद तेरा रन जीतने के लिए अभी भी अठारह गेंदें और उन्तीस रनों की जरूरत लगभग साढ़े सात रन प्रति ओवर की रन रेट से चलना होगा अगर इस मैच को जीतना चाहेंगे आई सोमजाई इलेवन अभी भी स्ट्राइक पे कप्तान खुद कप्तान आशीष तो एक अच्छा टोटल रखा था पहला मैच इस प्रतियोगिता का थोड़ी सी पिच गिली थी लेकिन लास्ट ओवर में प्रवीण ने दो चौके और एक छक्के चक, के सहायता से अपने टीम को बयालीस रनों का लक्ष्य तक पहुंचाया था एक अच्छा टोटल रखा था और अपील करते हुए गेंदबाज लेकिन अंपायर ने लेग बाइज का इशारा दिया और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा चौदह रन थोड़े से नए नए खिलाड़ी है जो कभी अपने गांव की तरफ से भी नहीं खेलते लेकिन इस प्रतियोगिता में उन्होंने शिरकत की और अच्छे अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे जैसे जैसे मैच होते रहेंगे पहले मैच में प्रवीण जैसा बल्लेबाज जो हमारे दांडवाड़ी से बिलोंग करते और एक रन तो इसे एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा रन और कीपर ने भी छोड़ा था लेकिन पीछे अच्छा सपोर्ट मिला लेकिन अंपायर दंडित करते हुए इस गेंद को वाइड गेंद का इशारा सोलह रन फिर से एक बार लेकिन ये बिंदी गेंद कट करना चाहते थे इस गेंद को लेकिन थोड़ी सी धीमी आई गेंद पिच थोड़ी सी गीली है इसकी वजह से ये गेंदबाज के लिए प्लस पॉइंट है प्रणव करचुंडे के ये खिलाड़ी और उनके सामने एक फिर से एक बार हम पार दंडित करते हुए इस गेंद इस गेंद को वाइड गेंद का इशारा अच्छा शॉट और स्क्वेयर लेग के ऊपर से आता हुआ दन, दन आता हुआ चौका तो इस चार रन के साथ स्कोर कार्ड पे स्कोर बढ़ता हुआ इक्कीस रन थोड़ी सी धीमी गेंद पटकी हुई गेंद और इस पटकी हुई गेंद का ट्रैक पे है आशीष एक सीनियर खिलाड़ी लगभग तीस पैंतीस साल से क्रिकेट में उनका योगदान है अच्छा शॉट और ये देखो धन दन दनाता हुआ छक्का सैयद एंड की सैयद एंड को सम्मानित करते हुए इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा सत्ताईस रन फिर से एक बार लॉग ऑन और मिड विकेट में से यह आता हुआ दूसरा दंधन आता हुआ छक्का इस छक्के के साथ स्कोर टोटल तैतीस रन दो ओवर के बाद तैतीस रन लगभग 16.50 रन प्रति ओवर रन रेट अभी भी जीतने के लिए 12 गेंदे और 9 रनों की जरूरत हॅलो हॅलो या दरम्यान एक अतिशय आदर्श व्यक्तिमत्व आणि युवा उद्योजक त्याच पद्धतीने स्वरा इलेव्हन या संघाचे संघमालक आमचे आदर्श व्यक्तिमत्व आदरणीय दादा सचिन दादा बापडे साहेब यांचं इथे शुभ या व्यासपीठावर होत आहे या व्यासपीठाच्या मंचावर जी पी एल दोन हजार तेवीसच्या निमित्ताने मायेची शाल पुष्पगुच्छ देऊन बामगोडे साहेबांचं इथे हार्दिक हार्दिक आपण स्वागत करूया स्वरा इलेवन या संघाचे संघ मालक आणि त्याच पद्धतीने या परिसरातील एक अतिशय उत्तम माणूस एक उत्तम उद्योगपती म्हणून एक मराठी उद्योजक पुढे आलेले बांबुडे साहेब हे युट्यूबर इकडं आदरणीय <coughs> बांबुडे साहेब मराठी उद्योजक या विभागातील त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत या जी पी एल दोन हजार तेवीसच्या मंचावर बांबुडे साहेब आपण आलात या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल आपला हार्दिक हार्दिक आभार ओवर टू कमेंट्री बॉक्स थैंक यू नीलेश सर तो गेंदबाज रोशन बनाम स्ट्राइक पे विनोद ये भी एक सीनियर खिलाड़ी रोशन शिरके जो सहारा सिटी से अपने काम के लिए और ये चार रन लॉग ऑफ के ऊपर से आता हुआ दन दनाता हुआ चौका इस चार रन के साथ स्कोर कार्ड पे स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा थर्टी सेवन रन लॉस ऑफ वन विकेट देखो पिछले ओवर में आशीष ने दो छक्के डागे थे एक चौका एक चौका और दो चौक, दो छक्के डागे थे लेकिन उनके सामने एक यंग गेंदबाज था प्रणव फिर से एक बार उसी दिशा में आता हुआ दन दनाता हुआ चौका और स्कोर टोटल होता हुआ 41 रन जीतने के लिए एक रन का लक्ष्य होता हुआ यह मुकाबला आई सोमजाई करचुंडे के खिलाफ ये आता हुआ दन दन आता हुआ छक्का और इस मैच को जीत लिया पहला जी, पहली जीत इस प्रतियोगिता की आई सोमजाई कर चुंडे के ए, बाल, 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 बाल। कप्तान और उपकप्तान दोनों ने इस जीत में एक अच्छा योगदान दिया बॉल और बेस्ट ऑफ